ये कसूर का एक गांव है जी, गांव शेखपुरा, वहाँ पर ये दो दरबार हैं जी। यहाँ पर सारा साल जो है फ्री लंगर चलता है, जब भी आप आए खाना खा सकते हैं। देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक दरबार है बाबा झंडे शाह का, तो ये बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि ये मज़ार जो है, और इसका अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं जी। अंदर चलते हैं जी मज़ार के, तो ये मज़ार के अंदर आ गए हैं। ये खिड़की के ऊपर लोगों ने मन्नतें मांगी हुई हैं, तो ये दरबार का नाम ऊपर आ गया है जी। ये नाम है जी दरबार बाबा झंडे शाह कलंदर, तो ये एक मज़ार आ गया जी। ये दूसरा मज़ार आ गया जी बाबा गुलजार शाह का, तो इसका भी मैं बाहर से आपको गुंबद दिखा रहा हूँ, तो अंदर अब इसके चलते हैं जी, आपको अंदर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे जी। ये जी बाबा गुलजार शाह के मज़ार के इर्द गिर्द ना लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है, लोग इधर बैठते हैं। और दरबार के पीछे जो है ना चिरागाह बनाई गई है, जिसमें चिराग लोग आकर जलाते हैं, तो ये चिराग जलाने की जगह बनी हुई है। ये देखिए जी, ये सारे चिराग पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लोग आकर चिराग जलाते हैं। इस दरबार की जो सबसे मशहूर जो चीज़ है वो यहाँ का एक कुआँ है, जहाँ से लोग आकर नहाते थे, यहाँ पर अपनी मन्नत मांगते थे, जब वो पूरी हो जाती थी फिर इस कुएँ के पानी से आकर नहाते थे। ये कुआँ आप देख सकते हैं, अब ये कुआँ इस्तेमाल नहीं करता, इसमें जो है ना मोटर लगा दी गई है, जो पानी नीचे से खींचती है, और लोग इधर नहाते हैं, अभी भी लोग नहाते हैं। ये गुसलखाने बने हुए हैं, तो लोग यहाँ पर अभी भी नहाते हैं। ये इधर का लंगर खाना है जी, ये जो है लंगर दे रहे हैं, तो हम ये लंगर ले लिया है जी। तो अब हम लंगर लेकर ये हमने खाना शुरू कर दिया जी। आप देख सकते हैं, दो हमने ये खाना जो लिया, ये नीचे सालन पड़ा हुआ है, और ये रोटी हमने ये खाना खा रहे हैं। ये चावल भी मिले हैं हमें जी।